लगातार फ्लॉप की मार झेल रहे बॉलीवुड के लिए शमशेरा सावन की बरसात बनकर आई है। इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़े तो कोई फिल्म करिश्मा नहीं दिखा पाई। आज रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर की एक्शन पैक पीरियड फिल्म शमशेरा रिलीज हुई और इसे देखकर इतना तो कहा जा सकता है ये बॉलीवुड की सूखी जमीन को हरा कर देगी। करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यशराज बैनर की इस फिल्म में संजय दत्त का किरदार एक दारोगा का है जिनका नाम है शुद्ध सिंह। रणबीर कपूर शमशेरा के लीड रोल में है। रणबीर एक बागी के किरदार में है जो गरीबों की मदद करने के लिए अमीरों को लूटता है, यानी रॉबिनहुड टाइप का डाकू। वहीं वाणी कपूर ने डांसर सोना का रोल निभाया है। शमशेरा की कहानी काजा नाम की काल्पनिक शहर पर है। इसके लोग शुद्ध सिंह के जुर्मों का शिकार हैं। शमशेरा एक खूंखार डकैत है जो इन जुर्मों से आजाद कराना चाहता है। ये कहानी शमशेरा नाम के एक डाकू की नहीं बल्कि 1800 के दशक में अंग्रेजों से अपने अधिकारों और आजादी के लिए लड़ने वाले डकैत जनजाति की कहानी है। अंग्रेज पूरे कबीले पर जुर्म करते हैं, लोग उनका अत्याचार सहते हैं। इसी बीच एंट्री होती है शमशेरा की। फिल्म में रणबीर कपूर का डबल रोल है, एक किरदार है शमशेरा जबकि दूसरा है खमीरन जो अंग्रेजों की गुलामी नहीं करता और एक गिरोह तैयार करता है जो अंग्रेजों से पंगा ले। खमीरन नकली शमशेरा बनकर अंग्रेजों को मजा चिखाता है। इसके बाद अंग्रेज खूंखार और खौफनाक दरोगा शुद्ध सिंह को उसे काबू करने के लिए लगाते हैं और इसके बाद होती है जबरदस्त भिड़ंत शुद्ध सिंह और शमशेरा की। दोनों में जीत किसकी होती है ये जानने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। आपको बता दें कि एक सीन ऐसा भी है जिसमें करण मल्होत्रा को सन 1800 के दशक की 400 फुट की ट्रेन का निर्माण करना पड़ा। इसे पूरी ग्लोरी के साथ दिखाने में एक महीने का वक्त लग गया। पीरियड ड्रामा शमशेरा हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में से है जिनका बजट काफी ज्यादा है। 150 करोड़ से ज्यादा के बजट पर बनी है शमशेरा। कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना लग सकता है लेकिन कहानी आपको निराश नहीं करेगी। रोमांस, कॉमेडी, एक्शन तीनों का फुल डोज मिलेगा। डकैत के रफ एंड रस्टिंग लुक में रणबीर कपूर जबरदस्त नजर आए हैं। संजय दत्त ने नेगेटिव रोल पूरे दम से निभाया है और ये जानकर इज्जत और बढ़ जाती है कि कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की। शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त और शमशेरा के किरदार में रणबीर कपूर ने पूरा असर छोड़ा है। एक डांसर के किरदार में और ग्लैमर गर्ल के तौर पर वाणी कपूर का जलवा जबरदस्त है। रणबीर के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी दिलकश है। कुल मिलाकर शमशेरा आप एक बार जरूर देखिए। फिल्म को ओपनिंग भी अच्छी मिली है और अभी वीकेंड पर जबरदस्त कमाई फिल्म कर सकती है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।